गुजरात के एक अस्पताल में आग लगने से 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मरीजों की मौत पर संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की। पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अहमदाबाद के मेयर से फोन पर बात कर हालात की पूरी जानकारी भी ली है। बीती रात अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल की 4th मंजिल पर आग लगी थी। श्रेय अस्पताल COVID-19 अस्पताल है, यहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आग लगने से कोरोना संक्रमित 8 मरीजों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अहमदाबाद के मेयर से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। हालांकि जो कारण बताया गया वो शॉर्ट सर्किट बताया गया, जिसकी वजह से इस मंजिल में आग लगी। ये ICU सेंटर था जहां पर 8 पेशेंट भर्ती थे और इन सभी की आग में झुलसने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है और अभी सैनिटाइजेशन का काम थोड़ी ही देर में इस अस्पताल में शुरू हो जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक टीम पहुंचेगी जो इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, क्योंकि बहुत दुखद घटना, रात में ये आग लगी। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया, आग को फैलने से रोका गया ताकि और किसी माले पर ये आग ना पहुंचे। अतुल तिवारी अहमदाबाद से अस्पताल श्रेय अस्पताल है उसके बाहर से मौजूद हैं। अतुल, अभी ताजा हालात क्या हैं, क्या जानकारी है? और बिल्कुल, जिस प्रकार से 8 लोगों की डेथ हो गई है उसके बाद अब धीरे धीरे जो डेथ बॉडीज़ हैं वो एम्बुलेंस के अंदर से यहाँ से निकाली जा रही हैं। आप दृश्य में भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 4th फ्लोर है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होने का बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सारे आला अधिकारी, जिसमें DCP हों, JCP हों, अहमदाबाद ये जो इलाका है इसके जो विधायक हैं, साथ ही में हेल्थ सेक्रेटरी जयंती रवि भी अभी यहाँ पे उपस्थित हो चुकी हैं। और जो भी जाँच है वो जाँच चल रही है। सीधे तौर से अभी कोई जो वजह है वो वजह नहीं बता रहा है, पर आप दृश्य में भी देख सकते हैं लोग जो हैं यहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं सीधे तौर पे उनके जो रोने के दृश्य हैं सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के पॉजिटिव ये पेशेंट्स थे और सीधे तौर से यहाँ पे कोरोना से उनकी डेथ नहीं हुई है, पर उनकी डेथ जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की जान जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से गई है, क्योंकि वो पेशेंट्स जो थे उसमें ICU के पेशेंट्स हैं। आप दृश्य में भी देख सकते हैं बहुत ही दिल दहला देने वाले ये जो दृश्य हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के जो यहाँ पे रिलेटिव्स जो एडमिट थे कोरोना का जो इलाज अपना जो था वो करवा रहे थे, उसके बावजूद जो ये घटना हुई है सीधे तौर से कोई कारण अभी तक नहीं बताया जा रहा है। FSL की टीम जो है वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, पर ये कोरोना कोविड हॉस्पिटल जो होने की वजह से सीधे तौर से जब तक सैनिटाइज अंदर की सारी चीज़ें नहीं हो जाती है उसकी जो जाँच है वो शुरू नहीं हो पा रही है। अभी जो चीफ फायर ऑफिसर है वो भी यहाँ पर उपस्थित है, मतलब कहा जा सकता है जो भी आला अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वो यहाँ पर उपस्थित हैं और अंदर की तरफ सीधे तौर से किसी को अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। पर जो दृश्य हैं यहाँ पे काफ़ी दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि 8 लोगों की मौत के बाद जो 41 जितने और लोग यहाँ पे एडमिट थे उनको अहमदाबाद की SVP अस्पताल के अंदर ले जाया गया है। उनका जो इलाज है वो इलाज वहाँ पे अभी किया जा रहा है। अहमदाबाद के जो भी यहाँ पे अधिकारी भी हैं, पुलिस अफसर हों चाहे चीफ फायर ऑफिसर हों, सारे के सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। पर यही जो दृश्य हैं कहीं ना कहीं समय समय पे जो रिलेटिव्स हैं, जो अलग अलग पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे, उनके बीच में काफ़ी नोकझोंक हो रही है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उनके जो पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं उनकी किस प्रकार की कंडीशन है। लोग हैं जो घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, क्या ये आंकड़ा साफ हो पाया है? ले जाया गया है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 49 जितने लोग जो थे वो यहाँ पे इलाज करवा रहे थे। अगर दृश्य में भी आप देख सकते हैं श्रेय हॉस्पिटल जो है वो AMC मतलब कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन संचालित ये हॉस्पिटल है जहाँ पे लोगों का इलाज होता है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज होता था, जिसमें 50% जो बेड है वो कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं, बाकी 50% बेड के ऊपर जो हॉस्पिटल है वो अपने हिसाब से पेशेंट्स कोरोना के एडमिट करती है। ऐसे में जो 49 जितने पेशेंट थे यहाँ पे एडमिट थे और 49 में से 41 जितने पेशेंट्स को यहाँ से रेस्क्यू करके अहमदाबाद की SVP हॉस्पिटल में ले जाया गया है, उनका वहां पे इलाज जो है वो चल रहा है। सुबह 3:30 बजे और अपडेट हम लेते रहेंगे अतुल, वहां से जो भी और जानकारी है सबसे पहले जी न्यूज दर्शकों तक पहुंचाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर इसी बीच महाराष्ट्र से, जहां आज भारी बारिश की संभावना है। ये बड़ी खबर क्योंकि मुंबई, ठाणे, पालघर और रत्नागिरी में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये 4 जिले हैं, मुंबई और आसपास के इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के आसार है। बारिश
की संभावना को देखते हुए एनडीआरएफ ने पूरे महाराष्ट्र में 15 टीमें तैनात की हैं। बारिश के बाद के हालात पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। उद्धव ठाकरे ने बारिश के हालात पर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है, लेकिन तस्वीरें आप जी न्यूज पर जो देख रहे हैं आप उससे अंदाजा लगाइए कि सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, घरों में लबालब पानी है, लोगों का सारा सामान खराब हो चुका है, कुछ नहीं बचा लोगों के पास सिवाय अपनी जान बचाने के। एनडीआर ये देखिए तस्वीर जो आप ये देख रहे हैं ये किसी दरिया की तस्वीर नहीं है, ये सड़कें हैं जो पानी में कैसे तब्दील हो चुकी हैं, दरिया में तब्दील हो चुकी है। दहिसर, गिरगांव और आप देखेंगे कई तरह की तस्वीरें, मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, गांधी मार्केट की और पानी में फंसी ट्रेन, क्योंकि लोकल ट्रेन फंसी थी जिसमें 40 यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। और मुंबई आसपास के इलाकों में भारी बारिश से जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद मुंबई के जे अस्पताल में पानी घुस गया और वहां पर मरीजों को दिक्कत हुई। पानी में फंसे दो लोकल ट्रेन के 55 यात्रियों को बचाया गया, ये जानकारी भी जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई थी। बारिश से बिगड़े हालात पर पीएम मोदी ने संज्ञान लिया है, फोन पर बात की है मुख्यमंत्री से और हर संभव मदद का भरोसा दिया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।